हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सब? मौज बहार। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज एक अनाउंसमेंट मिल गया होगा आप सभी को, सीबीएसई से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे, 10th और 12th के एग्ज़ाम्स कैंसल्ड हो चुके हैं टोटली। बट उन्होंने कुछ 12th के एग्ज़ाम्स को लेकर के कुछ ऑप्शन दे दिया है कि हाँ, अगर आपके ऊपर है कि अगर आपको जो भी एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं उसके बेसिस पे अगर आप असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस है। जब कंड्यूसिव सिचुएशंस कंड्यूसिव हो जाएगी तो हम अकॉर्डिंगली आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एक ऑटोमेटिकली वो एग्ज़ाम्स कैंसल्ड ही है, दैट्स फाइनल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, किस पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है? पर्पज़ ये है, जस्ट शेयर माई ओपिनियन, बिकॉज फिर से क्वेश्चन अराइज हो चुका है एग्ज़ाम्स को लेकर के कि CA, CS, CMA के एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, ये क्वेश्चंस बार बार फिर माइंड में आने लगा है। अभी बच्चों को कुछ एक तरह से स्टूडेंट्स हैं जो कि एक तरह से अभी तैयारी करने लगे थे, वो एक तरह से नवंबर के लिए जिन्होंने अभी ऑप्ट आउट किया था तो वो प्रिपरेशन करने लगे थे, लेकिन फिर माइंड में ये प्रॉब्लम आती है उनके कि सर नवंबर में भी अगर हुआ तो ऐसा क्या होगा। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है अभी तक कि स्टूडेंट्स इतना लंबा सोच क्यों रहा है। अरे आप एक बात बताओ मुझे कि अगर मान के चलो, सपोज़ करो, छोटी सी बात सोच के देखो, आपने अगर जुलाई का एग्ज़ाम ऑप्ट आउट करा, ठीक है, या फिर ऑप्ट आउट नहीं करा, या फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं जुलाई में, ठीक है, तो क्या आप नवंबर का एग्ज़ाम नहीं दोगे? नवंबर के एग्ज़ाम्स में भी तो बैठना है सर, और नवंबर के एग्ज़ाम्स में अगर बैठना है तो मुझे एक बात बताइएगा, नवंबर के एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए कितना टाइम है हमारे पास? ओनली 3 to 4 months है सर। जून एंड पे खड़े हैं आप और जून पूरा ख़त्म हो चुका है, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ओनली 4 months वी हैव ओनली फ्रॉम राइट नाउ। समझ में आ रही है बात को? तो प्लीज़ मेरे कहने से आप प्लीज़ स्टडी करिए और स्टडी पे फोकस रखिए। बाय द एंड ऑफ द जून माई पर्सनल ओपिनियन, माई पर्सनल असेसमेंट, नथिंग मोर देन दैट। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल असेसमेंट है कि इंस्टीट्यूट आपको एंड ऑफ जून का मतलब जून के एंड तक मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए अबाउट द कैंसिलेशंस या फिर कन्फर्मेशंस, दोनों में से कुछ भी है, बट मेरी ओपिनियन ये आज भी स्टैंड मेरा यही है, मेरा जो टेक है वो आज भी यही है कि एग्ज़ाम इज़ डिफ़िकल्ट टू हैपन, और सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही पिल फाइल हो चुकी है। अब अकॉर्डिंगली कल हियरिंग होनी बाकी है, तो कल अभी हियरिंग है, उसके बाद से आपको पता लगेगा कि क्या होने वाला है, ठीक है, राइट है। और क्या चीज़ें हैं सर, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट्स को है कि प्लीज़, हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि प्लीज़ स्टडी कर लीजिए, फोकस स्टडी पे रखिएगा, स्टडी आपने ही करनी है। नवंबर के लिए टाइम हमारे पास बहुत कम है, अगर अभी बैठेंगे तो प्लीज़ तैयारी अब आपकी अच्छी हो पाएगी। जिनकी पहले से तैयारी हो चुकी है सेकंड ग्रुप पे स्विच करिए, बोथ ग्रुप दीजिए नवंबर के लिए, मैं आपसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जून और ये जो जुलाई का एग्ज़ाम्स है, एक छोटी सी बस मुझे बात अच्छी नहीं लग, इंस्टीट्यूट से अच्छी नहीं लग रही है इंस्टीट्यूट को, मेरी एक पर्सनल प्लीज़, मतलब एक तरह से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ जितना जल्दी हो सके प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें कि सर, क्योंकि एक तरह से क्या बन गया, एक पैनिक हो चुके हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा। अब अकॉर्डिंगली पता नहीं कोई स्टूडेंट्स कह रहा है कि सर इतना ईगो, ये ईगो किस काम का है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि बच्चों की लाइफ से ज़्यादा इनका एक तरह से रेपुटेशन हो गया है क्या। तो स्टूडेंट्स देखो, ऐसा होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक तरह से इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे होती हैं। अब इंस्टीट्यूट का क्या टेक ऑफ है वो तो इंस्टीट्यूट को ही पता होगा, लेकिन मैं आपसे सिंपल एक बात बोल दूं, आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है सर, चाहे एग्ज़ाम्स हो या ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आप एग्ज़ाम्स पर फोकस करिए सर, अब छोड़ दो ये सब चीज़ें। क्योंकि कई स्टूडेंट्स का अभी भी मेरे पास मैसेज है कि सर ये बताइएगा कि क्या कल हियरिंग होगी, किस क्या होगा उसके अंदर, पता नहीं स्टूडेंट्स क्यों सोच रहे हैं इतना। अब स्टूडेंट्स इसमें भी सोचने लगे कि भैया हियरिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे अपना इतना टाइम आप अपनी पढ़ाई में लगाइए ना सर। तो मेरी जो पर्सनल अपनी ओपिनियन है
एग्ज़ाम्स को लेकर के, वो मैंने पहले से स्टैंड अपना टेक ऑफ ये रखा हुआ है कि एग्ज़ाम्स अभी कंडक्ट होना बहुत मुश्किल है, जिस बिकॉज नंबर ऑफ केसेस राइजिंग एंड राइजिंग एंड राइजिंग, राइट, इन टर्म्स ऑफ डेथ भी आप देख लीजिए अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी चीज़ एक और भी आती है ना प्रैक्टिकली चीज़ सोचने पर, अगर आप देखोगे तो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हुआ है सर बिकॉज ऑफ दैट, वहाँ से उन्होंने पहले से इन चीज़ों के लिए रख रखा था कि 1 जून से 15 जून के बीच में एग्ज़ाम्स होंगे, तो देखो कितना टाइम पहले ही बोल दिया था। तो लेकिन अब देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला उन्होंने, सीधा कैंसिल करवाया एग्ज़ाम्स। तो क्या होता है सर सिचुएशंस, इंस्टीट्यूट को भी पता है कि एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट है, और अभी सिर्फ दो स्टेट कर्नाटका और जो तुम्हारा केरला है, उन्होंने ही क्या दिया है अपना जस्ट कंसेंट दिया है कि हाँ आप एग्ज़ाम्स हमारे स्टेट में करवा सकते हैं। बाकी जो मेजर स्टेट हैं उन्होंने अभी तक कोई कंसेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कोई अप्रूवल नहीं है। ऑप्ट आउट 14% ओनली 14% स्टूडेंट, जिसमें से 8% OCA फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑप्ट आउट किया है, और बाकी के जो 6% बचते हैं वो इंटर स्टूडेंट्स और एक तरह से फाउंडेशन लेवल पे हैं, उनके हिसाब से अगर देखें तो उन्होंने ऑप्ट आउट किया है। तो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इस चीज़ को, राइट। तो मेरा कहना यही है अभी भी कि आप प्लीज़ एग्ज़ाम पे फोकस कीजिएगा, और यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। और बाकी जो भी नीट और मतलब जो भी एक तरह से NEET या फिर जो JIT के एग्ज़ाम्स हैं, नीट और JIT के एग्ज़ाम्स हैं, वो भी एक तरह से सर मेरे हिसाब से तो कैंसिल ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स कराने की अभी सिचुएशन है ही नहीं, और हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है मेरे मानने से, तो हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। लाइफ एक बार मिलती है सर अपने को, एग्ज़ाम्स तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम से बड़ी लाइफ नहीं होती, मतलब लाइफ जो है एग्ज़ाम से बड़ी नहीं है, आपको भी पता है इस चीज़ का। और एग्ज़ाम्स में ठीक है 6 महीने डिले हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, और अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो प्लीज़, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल सके। और टेलीग्राम चैनल्स पे मैं अपने आपको एक लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं GST की समरीज, जो कि इंटर लेवल पे सी इंटर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं GST का एक समरी दे रहा हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, तो अकॉर्डिंगली फ्री में आप उसको, वो हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए बिफोर 1 डे एग्ज़ाम्स, राइट।